पुणि ड्राइवर महासंघ स्टीयरिंग छाड़ आंदोलन। मोदी सरकार कलाकाहू नियम अनुसार हिट एंड रन कर ड्राइवर को 10 लाख टंका जरिमाना नचे 7 वर्ष जेल दंड को ड्राइवर संघर विरोध। सरकार को घोषणा अनुजाई ड्राइवर को दुर्घटना जनित मृत्यु बीमा प्रदान खाली कागज कलम रही पुणी सरकार तीन तीन मस गढ़ गढ़ भितर 300 रु 400 ड्राइवर भाई मृत्यु होते क्या गोटे पैसा क्षतिपूरण नदे ता छड़ा ड्राइवर मानक अन्य देवी पूरण प्रतिश्रुति अणदेखा करवा सब दाबी को नहीं ऑल इंडिया ड्राइवर एसोसिएशन चकापत अख बंद डाकरा को ओडिशा ड्राइवर संघ पूर्ण मात्रा रे समर्थन करुछि आउ धर्मघटरे जोग देउछि। ओडिशा ड्राइवर महासंघ खोर्धा जिला आज खोर्धा जिला ऑफिस सम्मुखरे खोर्धा जिलार समस्त ब्लॉक कमिटी सहित आज मीटिंग थिला एवं मीटिंग रे हमर निष्पत्ति निया गला राज्य सभापति महोदय निष्पत्ति हमर निष्पत्ति निया गला जे समस्त भाई माने आज आम स्टेरिंग छाड़ी गाड़ी छाड़ी समस्त समस्त पंचायत और समस्त समस्त ब्लॉक रे आम आज कार्यरु निवृत्त रही बसबू एवं तत् सहित आगामी दिन में राज्य सभापति जहाँ भी निर्देश आसो से निर्देश अनुसार आम आगे बढ़ू बोली सर्वसम्मत आम बर्तमान समस्त खोर्धा जिलार ब्लॉक कमिटी खोर्धा जिला कमिटी सम्मुख में निष्पत्ति दिगला जय जगन्नाथ ओडिशा ड्राइवर महासंघ खोर्धा जिला अटोजन टू समस्त भाई नमस्कार अटोजन टू जितने जड़ते थे बहुत भाई मेम्बर आम गोटे भिड करवा कारण ये जो अजू भाई को निर्देश अच्छी स्टेडियम स्थल आंदोलन से शांति शृंखला आम आंदोलन करने आज बाहरी आसचु आउ शांति शृंखला नहीं बसचु केन्द्र सरकार जो नियम करते अजु भाई तो मानवाक आम ड्राइवर महासंघर उचित नुह आई सकाश आम श्रेणी सारा आंदोलन अजु भाई जीत बड़ भाई पीन पकईले कल आम आज शांति शृंखला आलोचना करके ये बस कि अच्छु आउ भाई मैंने जी कौन कहे बार्ता रख जय जगन्नाथ शुभ सका शुभ सका अभिनंदन भाई आम राज्य सभापति जो बार्ताटी वर्तमान से कथार राजी अच्छा आम कि वर्तमान केन्द्र सरकार जो निमटी लागू करियम बर्तमान आम मैंने राजी ना बर्तमान आम स्ट्राइक निर्धारण कलु स्टेरिंग छाड़ आंदोलन कलु आम बर्तमान घरे बसीचु आज भाई मैंने ये भिडियो टी देखु समस्त भाई मान अनुरोध समस्त भाई मैं स्टेरिंग छाड़ आंदोलन कर आपण मैंने घरे बस स्टेरिंग छाड़ कर नमस्कार जय जगन्नाथ ओडिशा ड्राइवर महासंघर समस्त भाई मानक ऑल इंडिया ड्राइवर महासंघर समस्त भाई मानक भाई मैंने आज जो आम जंतर मंतर मान प्रत्येक राज्यर लीडर भाई मैंने जो आसते आज जो आलोचना था कि आगामी दिन में कौन हम ड्राइवर भाई मानक जो कला कानून विरुद्ध आम आंदोलन करवा ना ना जो कि होता तो ता मान स्थिति ठीक हिसाब से ना कौन संगठन कर जबरदस्ती होता कि आगामी दिन में प्रत्येक संगठन आज सारा भारत बाहरी आसंता काली प्रत्येक स्टेट स्टेरिंग छाड़ आंदोलन जारी रेपर्यंत सरकार जो कानून को फेरे न नौकरी किसी व्यवस्था न कर ड्राइवर मान सहित आलोचना कर ठीक रास्ता बाहर करपर् आंदोलन जारी रहा ताहा किंतु शांति श्रृंखला भाव में समस्त भाई मैंने गाड़ी छाड़ी दे निज घरे बसी किंबा आम आगामी समय बतेबू निश्चिंत ओडिशा ड्राइवर महासंघ एवं ड्राइवर महासंघ समस्त भाई मानक या तो आरटीओ ऑफिस बसवा किंबा आम राजरास्तार साइड रे शांतिपूर्ण भाव में फ्लाइंग फ्लाग कार्ड धरिकी बसवा जोटा कि आमको आम हक मिलबार अच्छी आमको आम जो काला कानून को फेरेबार अच्छी अनवर बादशाह है अनवर बादशाह भाई आंध्र प्रदेश से बोलिए भैया सर अभी हमको आप सपोर्ट जरूर चाहिए क्यों बोले तो भारत देश में इतना अच्छा संगठन किधर है बोले तो इतना भारी संख्या में ड्राइवर किधर मिलता है बोले तो और सिर्फ ओडिशा में ओडिशा ड्राइवर लोग को मैं बहुत बहुत क्यों बोलते है ऐसा धरती पे मैं भी पैदा रहता था तो मैं बहुत खुशी बढ़ता था क्यों बोलते है इतना अच्छा धरती पे तो भाई मैंने दिल्ली रूप आवाज सुबुझे सारा भारत के सुपर दरकार आवाज जे
आसंता काल ठारू प्रत्येक ड्राइवर भाई मैंने शांतिपूर्ण भाव में निजर गाड़ी को छाड़ राज रास्ता को आसवान नानो का सहित झगड़ा लगवान नानो का गाड़ी भांगवान नानो निया लगवान नानो आम शांतिपूर्ण भाव में गाड़ी छाड़ी सरकार को गोटे बुद्धि शिखामा जेन काला कानून फेरबार लगे सरकार बाध्य हे आ सारा ओडिशा जनसाधारण को भी वीडियो द्वारा मानते क्षमा प्रार्थना करूचा जेहेतु आम प्रति गोटे विपद आसीजे आम सजाड़वा लगी चेष्टा कर तो बाध्य सारा भारत निर्णय आम ओडिशा पुणि थे स्टेरिंग छाड़ आंदोलन करने निष्पत्ति नहींचु जदि कौन भूल हुए क्षमा करेंगे और समस्त भाई मैंने निजर राशन सामान जहाँ कि रेडी रखु आगामी किसी दिन हूं तो गाड़ी मोटर बंद रही पाए जय जगन्नाथ पदिया भाई ओडिशा आज जन अच्छा प्रदीप जगन्नाथ एकता महामंच तरफ आसी अजु भाई भी आइटल ग्रुप ट्रस्ट एक सुझे जो मैंने भी आंदोलन करेंगे से मैंने शांति शुणा भाव आंदोलन करेंगे घरे गाड़ी रखे घरे खाई शोबे गाड़ी चका बंद कर जय जगन्नाथ। नमस्कार जय जगन्नाथ। ओडिशा ड्राइवर महासंघर समस्त भाई मानूार समस्त जनसाधारण को मोर नमस्कार। मुझ प्रशांत मेडुली ओडिशा ड्राइवर महासंघर राज्य सभापति आज दुखर सहित आम के जनसाधारण को हैरान करने को चाहू नथिलु बा आगरु मध्ये चाहिनु तो दुखर सहित यह कहवाक पड़ू जे सारा भारत रे वर्तमान जो केन्द्र सरकार गोटे नियम कला कानून जहाँ कहुची 10 लाख टंका 10 वर्ष जेल एवं एक्सीडेंट केस रे एवं 7 लाख टंका जरिमाना ताकु विरोध करी सारा भारत रो ड्राइवर भाई माने स्टेरिंग छाड़ आंदोलन पर उल्लौंती जेहेतु सारा भारत रो ड्राइवर भाई माने स्टेरिंग छाड़ पर समस्त राज्यर ड्राइवर भाई माने उल्लौंती तो एथरु ओडिशा मध्ये बात पड़ी ओडिशा ड्राइवर महासंघ मध्ये ताकु समर्थन करी ओडिशार समस्त ड्राइवर भाई माने मध्ये ताकु समर्थन करी तेणुक आसंता काली ठारु 28 भारत 28 राज्य में स्टेरिंग छाड़ आंदोलन प्रभाव देखा मिले तो अनुरोध करी ओडिशा ड्राइवर महासंघर सभापति हिसाब से जेहेतु ओडिशार जनसाधारण को आपण माने जेकोणसी जगार भी अच्छा जदि घर को आसवापी चाहते शीघ्र फेरी आसतु दुई दिन निश्चय आम कोहल करूँ जेहेतु आम लोक मैंने ना हैरान एवं समस्त ड्राइवर भाई माने जो माने बाहर को गाड़ी नहीं जाती अतिशीघ्र फेरपाई चेष्टा करूँ स्टेरिंग छाड़ आंदोलन ऑल इंडिया वेलफेयर बोर्ड तरफ घोषणा हो सारी आज तेणुक आसंता 4/1/2024 ठारु अनिर्दिष्ट काल जेते बेल पर्यंत केन्द्र सरकार ताकर कला कानून जो करी से कला कानून को फेरे न नौचंती ओडिशा सरकार जे पर्यंत ड्राइवर भाई मानकर जो इंश्योरेंस बाबदर पैसा आज पर्यंत देना ये सबको आखि आगे रखिक ड्राइवर समाज पुणी थे स्टेरिंग छाड़ आंदोलन निष्पत्ति नहीं तो जेहेतु सारा भारत रे स्टेरिंग छाड़ आंदोलन जारी रहे तो ओडिशा बात पड़ी ओडिशा समर्थन करी एवं समर्थन करूँ आम चाहूनु आम ओडिशार कौन सी भी जनसाधारण कौन सी हैरान हूँ कौठे फसी जातु असुविधार सम्मुखीन हूँ आम आपण मान सेवार प्रत्येक समय लगीचु एवं आपण मान सुरक्षा देवाई चेष्टा करूँ तेणुक आपण मानकर असुविधा न हो आज ओडिशा ड्राइवर महासंघर सभापति हिसाब से मुझे दुखर सहित यह कहूँ जेहेतु सारा भारत गोटे पटे एका ओडिशा ड्राइवर महासंघ गोटे पटे हो पारोनी ओडिशा ड्राइवर महासंघ बाध्यतार सहित तो समर्थन करी तो आसंता काली ठारु ओडिशारे आपण मान कड़े जावा आसवापी गाड़ी मिलवे बहुत कष्ट पारे एवं आपण मान जरूरी सामान मिलवे कष्ट पारे तेणुक समस्त जनसाधारण को मु अनुरोध करी जे आपण माने जेकोसी जदि बाहर अच्छा घर को अतिशीघ्र पलै आसतु कारण ये आंदोलन अनिर्दिष्ट काल एवं प्रथम दुई दिन कोहल समस्त को माने सम्मान सहित जावा आसवापी सबकि व्यवस्था होवर्त मुहूर्त जदि 3 दिन 4 दिन पर्यंत आम समस्या समाधान नाला तो आगामी दिन में आहरी भयंकर हबार संभावना अच्छी तेणुक समस्त जनसाधारण जदि किसी मान असुविधार सम्मुखीन हो आमको क्षमा करदे आमे से आगर तो कही पार्लुनि जदि ओडिशा तरफ यह होता तेल मुझे आगर आपति सतर्क कर जनई था कि भारत स्तर में सारा भारत जिते स्टेरिंग छाड़ आंदोलन करुच्ची
ଓଡ଼ିଶା ନିହାତି ତାଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବାର ଅଛି ବା ସାଥ ଦେଇଛି। ତ ତେଣୁକରି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ଡ୍ରାଇଭର ମିଳିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁକରି ଯେକୌଣସି ଲୋକର ଯାହା କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ସମାଧାନ କରିକି କେମିତି ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ଜିନିଷ କହିବି ମୁଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ, ଆପଣମାନେ କିଛି କିଛି ଜରୁରୀ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ନୀତିଦିନିଆ ବ୍ୟବହାରର ସାମଗ୍ରୀ ତାହା କିଛି ଷ୍ଟକ୍ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ 5-7 ଦିନ ପାଇଁ, କାରଣ ଏହା 5-7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ହେବାର କାହିଁ ସମ୍ଭାବନା ମୋତେ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସାରା ଭାରତରେ ଏ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ଟା ହେବ, ସାରା ଭାରତରେ ଏ ଷ୍ଟେରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନଟି ହେବ, ତ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରୁ କୌଣସି ସାମାନ ମଧ୍ୟ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଗତଥର ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଷ୍ଟେରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା, ମାନେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲର ସମସ୍ୟା ହୋଇଥିଲା, ବହୁତ କିଛି ସାମାନର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ତ ଏହା ଯେହେତୁ ସାରା ଭାରତରେ ହେଉଛି ଆହୁରି ଜୋରରେ ଆମକୁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ନିଜର ଜରୁରୀ ସାମାନ ରଖିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସନ୍ତୁ। ଆମେ ଖୁସିରେ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖର ସହିତ ଆମେ ଯଦି କରୁଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆଗରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇଥାନ୍ତୁ। ଇଏ ଯେହେତୁ ସାରା ଭାରତର କଥା, ତାକୁ ସାଥ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଆମକୁ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି କାଲିଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଦେବ। ତେଣୁକରି ନିଜେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। କିଛିଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ମିଳିବାରେ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲଉଛି ଦୁଇଟା କାରଣ ପାଇଁ, ଭାରତ ସ୍ତରରେ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି କଳା କାନୁନ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବ କାହା ସହିତ, ମାନେ ସେ ଘାୟଲ ଲୋକକୁ ଯଦି ମେଡ଼ିକାଲ ନ ନେଉଛି ତାହେଲେ 10 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଏବଂ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା, ତାକୁ ବିରୋଧ କରିକି ସାରା ଭାରତ ବାହାରିଛି। ଆଉ ଆମେ ତ ଆଗରୁ ଷ୍ଟେରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ରାଜରାସ୍ତାକୁ, ଯେଉଁଟାକି ଏପଟେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆମର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର ଭାରତ ସରକାର ଯେଉଁ କଳା କାନୁନ କରିଛନ୍ତି ସେ କଳା କାନୁନକୁ ବିରୋଧ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜ ଓହ୍ଲେଇବ। ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ, ଏଇ ଯେଉଁ କଳା କାନୁନ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁ 10 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା, ଏଇଟା କେବଳ ଟ୍ରକ୍ ବାଲା କିମ୍ବା ବସ୍ ବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଏଇଟା ମୋଟରସାଇକେଲ ବାଲା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, କାର୍ ବାଲା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଯଦି କେବେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବ, ମାନେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯଦି ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱର ଲୋକ କିଛି ଘାୟଲ ହେଉଛି ବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି ତାହେଲେ ତାର ଜୀବନଟି ମାଟି ହୋଇଯିବ। ଏଥିରେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ କେବଳ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ହିଁ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପଡ଼ିବେ, ମୋଟରସାଇକେଲ ବି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ବି ପଡ଼ିପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ବି ପଡ଼ିପାରେ, ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରୁ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। କାରଣ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି କିଛି ମାନେ ତାଙ୍କ ଡେଥ୍ ହେଉଛି ବା କିଛି ସେମାନେ କିଛି କ୍ଷତ ହେଉଛି ତାଙ୍କର, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କେସ୍ଟି ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଆ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜର ଜରୁରୀ ସାମାନ କିଛି ରଖନ୍ତୁ, ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଆଗାମୀ ଦିନ ଯେହେତୁ ସାରା ଭାରତରେ 1 ତାରିଖରୁ, ଆମେ ତ ଓଡ଼ିଶାରେ 1 ତାରିଖରୁ କରିନଥିଲୁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ାକରେ 1 ତାରିଖରୁ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଜାରି ରହିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ମାନିନାହାନ୍ତି। ତ ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଯେହେତୁ ଭାରତ ବନ୍ଦ, ତ ସାମାନ ପହଞ୍ଚିବା ଭାରି ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯିବ, ତେଣୁକରି କିଛି ସାମାନ ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ସାମାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ନିଜ ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଭାଇମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ର ଡାକରା ସାରା ଭାରତ ଦେଲା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମାନିବା। ଆପଣମାନେ ବି ଯେଉଁ ଯେଉଁଠି ଯଦି ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଅତି ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମାଲିକକୁ ଗାଡ଼ିର ଜିମା ଦେଇକି ଶାନ୍ତିର ସହିତ ଷ୍ଟେରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କହୁଥିବି କ୍ଷମା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ମୋ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ କୌଣସି ଭାଇ ହଇରାଣ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଚାହେଁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ, କାରଣ ଆଜି ହିଁ ଏହା ଫାଇନାଲ୍ ହୋଇଛି ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଲାଗୁ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ନିଜ ସୁବିଧା ନିଜେ କରିଦେବା ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି।